हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि ओप्पो F21 Pro है। इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत शानदार लिखा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप जानकर खुश हो जाओगे। अगर आप ओप्पो F17 Pro को बाय करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग रुक जाइए, बहुत ज़बरदस्त न्यूज आई है ओप्पो F21 Pro के बारे में। जी हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ, मेरा नाम अभिषेक है, आप वाईफाई बाबा चैनल देख रहे हैं। तो वाईफाई बाबा चैनल को देखते हुए आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, come on! तो हाँ दोस्तों, इस मोबाइल के बारे में सारी स्पेसिफिकेशन आ गई है आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि लेटेस्ट डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से आया हुआ है और इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आपको दो कैमरा लगे होंगे, एक 32 एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा और बैक में आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिलेगा जो कि ओप्पो के F17 Pro में प्लास्टिक का बिल्ड था। इसमें आपको ग्लास बिल्ड देखने मिलेगा, जो भी कमी थी ओप्पो F17 में वो F21 में आके पूरा हो गई है दोस्तों। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत शानदार ये फ़ोन होने वाला है और इसकी प्राइस भी बहुत एग्रेसिव होने वाली है। तो मैं सारी वीडियो में बताऊँगा। तो पीछे आपको बैक ग्लास मिलेगा, बैक में ग्लास मिलेगा। उसके बाद आपको 64 मेगापिक्सल की कैमरा होगा, प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल की, 8 मेगापिक्सल की, 5 मेगापिक्सल की और 2 मेगापिक्सल की डेप्थ होने वाली है। जी हाँ, और इसमें LED फ्लैश होने वाली है। और प्रोसेसर की बात करें जो कि इसकी सबसे हाईलाइट फीचर है, आपको प्रो में F21 Pro में आपको Snapdragon 760G मिलने वाला है जो कि 5G प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, और की बिल्ड क्वालिटी तो आपको मैं बता ही दिया। पीछे बैक में गिलास मिलने वाला है, आगे आपको गोला ग्लास 5G प्रोटेक्शन भी देखने मिलेगी और डिस्प्ले साइज 6.7 इंच की होने वाली है या 6.73 इंच की होगी। ये बहुत बड़ी डिस्प्ले होती है और सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले है। और बैटरी की बात कर लें जो कि आपको F17 में 4500 mAh की मिली थी, इसमें भी आपको F17 Pro में भी जो मिली थी उससे ज़्यादा बेहतर 4500 mAh की बैटरी है। लेकिन चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो दोनों में मिली थी F17 Pro में F17 में, वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया। इसमें 65 वाट की चार्जिंग दी गई है जो कि आपको चार्ज होने में बस आधे घंटे लगेंगे, ये फ़ोन फुल्ली फास्ट एकदम चार्ज हो जाएंगे। और ये फ़ोन की कीमत होने वाली है 25,000 के अंदर दोस्तों। जी हाँ, ओप्पो की सबसे पहला ऐसा फ्लैगशिप क्लियर फ़ोन आ रहा है जिसका प्राइस 25,000 के अंदर होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इसी तरह के दमदार वीडियो लाता रहता हूँ आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना जरूर। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।